चार पांच मंजिल नीचे है शंकर जी जीने अच्छा। नीचे तक ताले बंद कर दिए। परिक्रमा में गणेश जी की मूर्तियां ताले बंद कर दिए, नीचे परिक्रमा ताले बंद कर दिए। इन्होंने सब ऐसा कर दिया यहाँ पे है। जब प्लेटफार्म था इसके नीचे, ताजमहल के नीचे प्लेटफार्म था, मैंने देखा अपनी आंखों से। ताजमहल तो बहुत नीचा है जमीन के अंदर। जी जी, शिव जी का प्रतिमा है उसमें। हाँ, लेकिन इतिहास में जो बताया जाता है ताजमहल के बारे में कि ताजमहल जो है वह शाहजहां ने मुमताज की याद में जो बनाया, ये सब तेजमहल ही हो चुका है। हम प्रवेश करेंगे यहाँ पर, सिद्धेश्वर नाथ महादेव अपनी प्राचीनता के साथ यहाँ पर विराजमान है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। रास्ते में महादेव का दर्शन करते समय आप जब जाइए ना, तो ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा। शाहजहां का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। हेलो, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। वर्तमान समय में हम मौजूद हैं आज आगरा में, और आगरा में किस जगह पर, मेरे पीछे अगर आप यहां देखो तो ताजमहल है भाई, यहां ताजमहल है। लेकिन आज मैं ताजमहल की क्या सच्चाई है उससे आप सभी से परिचय कराने वाला हूं। और ठीक मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे होंगे, अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ महादेव का मंदिर का प्रांगण है, जो ताजमहल प्रांगण परिसर के अंदर गत ही आता है। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं ताजमहल के परिसर के अंदर महादेव का अद्भुत एवं दिव्य दर्शन। क्या आप यहाँ दर्शन करने आते हो? यहाँ दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो? यह आपकी कमी है। जो यहाँ ताजमहल देखने तो चली आती है, लेकिन ठीक उसके बगल में सिद्धेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, जहाँ कोई भी दर्शन करने नहीं जाता। चलिए आप सभी को मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं और बताते हैं क्या है इस मंदिर की सच्चाई। क्या ताजमहल में वर्तमान समय में आज भी शिव जी विराजमान है? सारी चीज़ों से आप सभी को पर्दाफाश करने वाले हैं। बने रहिएगा पूरी वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण की तरफ। आगरा ताजमहल तो दर्शन करने सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ महादेव का भी मंदिर है, जो ताजमहल के बिल्कुल बगल में ही है। वहाँ कोई भी नहीं जाता। चलिए अभी देख सकते हो पूरी रास्ता जो है यहाँ का ऊपर चढ़ना है और पूरी तरीके से खाली है, लेकिन हम वहाँ तक आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं यहाँ पर विराजमान सिद्धेश्वर नाथ महादेव का अद्भुत एवं दिव्य दर्शन। तो चलिए आपको मैं दिखा दूँ इधर की तरफ, देख लो। ये रहा ताजमहल, और ये थोड़ा बाहर का बाउंड्री है, और यहाँ से अधिकतर लोग ताजमहल में, आपको यहाँ भीड़ देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ, अधिकतर लोग ताजमहल में देखने तो जाते हैं, लेकिन देख लीजिए भाई सिद्धेश्वर नाथ महादेव ठीक बगल में ही है। बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है, और हिंदू मंदिर होने के साथ साथ यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो चलिए आप सभी को हम लेके चलते हैं अब सिद्धेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मंदिर में चलते समय आपको भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान एवं मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम वेधशाला, ताजमहल आगरा आपको देखने को मिलेगा। इसमें तमाम पौधे इत्यादि जो हैं वो लगाए गए हैं, और पूरी तरीके से ये पूरा सुनसान इलाका है। और इधर हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया, नज़र आए तो भैया ये चलिए देखते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं। और कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग दर्शन करने तो आते हैं, पूजन करने तो आते हैं, अगर ताजमहल देखने आ रहे हैं तो आप सभी हिंदुओं को यह ज़रूर चाहिए कि आप सभी सिद्धेश्वर नाथ महादेव का भी दर्शन करो। भाई ताजमहल के बगल में ही है, इसी बहाने आपका जो है ना शिव जी का दर्शन भी हो जाएगा आपको, तो ये सोने पर सुहागा कह सकते हैं। ताजमहल देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्धेश्वर नाथ महादेव का भी दर्शन आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। पूरे रास्ते सुनसान है, और आगे की तरफ आप देख लीजिए यहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव का बोर्ड भी लगा हुआ है, और अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ जो महादेव मंदिर है। और फिलहाल देख लीजिए कोई भी यहाँ पर आपको दृष्टिगत नहीं होगा, पूरा रास्ता सुनसान ही है, क्योंकि भाई कोई जाता ही नहीं है, सब लोग ताजमहल देखकर वापस हो जाते हैं, लेकिन हम आप सभी को कराएंगे पहले महादेव का दर्शन। तो ताजमहल से जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ सामने आपको ताजमहल नज़र आएगा, और सिद्धेश्वर नाथ जो महादेव है ना, वो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 200 मीटर दूर है, 270 मीटर दूर है। और कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरा जो परिसर है ना, यह ताजमहल का ही है। ताजमहल का तो आप सभी देखते हैं, ये देखिए ताजमहल की बाहरी दीवारें हैं जो आप देख पा रहे होंगे। और इधर फिलहाल पूरी जो रास्ते हैं वह सुनसान है। अभी एक पुलिस अंकल मिले थे, तो उन्होंने बताया भाई थोड़ी दूर है आप चले जाओ, और यहाँ से अभी वहाँ पे मंदिर में कथा भी चल रही है। तो चलिए आप सभी को भी ले दिखाते हैं किस प्रकार से सिद्धेश्वर नाथ महादेव हैं। और यहाँ पर ताजमहल आप देख पा रहे होंगे, ये ताजमहल का पूरा आउटर डोर है, और ये मस्जिद है, ये जो है ना दक्षिण से के साइड से है, ये जो आप देख पा रहे हो। रास्ते में महादेव का दर्शन करते समय आप जब जाइए ना, तो ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा था,
जिसको शाहजहां का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, ब्लैक ताजमहल का। और इधर ये ताजमहल के ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां है भाई, लेकिन अब कौन जाए, हमको चलना है महादेव के पास, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा बंद है इस वजह से। और ये रास्ता है ताजमहल के ठीक बगल का, जो आपको सिद्धेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में लेके चलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जैसे ही यहाँ आप ताजमहल देखो, ये रहा सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही यहाँ पर पूजन पाठ इत्यादि जो है होता हुआ आपको दृष्टिगत हो पाएगा। और अभी फ़िलहाल माता जी का दिव्य हवन, शिव जी का दिव्य हवन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ सामने यमुना मैया, क्या गजब का दृश्य है सिद्धेश्वर नाथ महादेव का। और महाराज जी से भी वार्तालाप करेंगे, चलिए अंदर की तरफ लेके चलते हैं और कराते हैं आप सभी को महादेव का दर्शन। उससे पहले देखिए मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर हवन इत्यादि जो है वह किया जा रहा है मंदिर के प्रांगण में, चलिए लेके चलते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप सभी को यमुना मैया जो हैं वो दृष्टिगत हो पा रही होंगी, जो अपनी लहलाहती कलकलाती हुई धाराओं के साथ प्रवाहित होती हैं। और ठीक इसके बगल में यह जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह ताजमहल है। और ताजमहल के ठीक बगल में ये परिसर ताजमहल का ही है, लेकिन जहाँ जो ब्लैक ताजमहल बनने वाला था ना, वो जगह है। और यहाँ पर विराजमान है प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ महादेव। और ऐसे में यहाँ सबसे पहले आप नंदी जी का दर्शन पहुँचते ही करेंगे, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चलिए मंदिर के प्रांगण में आप सभी को लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो यह मंदिर के प्रांगण का अंदर का दृश्य है जो आप देख पा रहे होंगे। और प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यमुना मैया जो है ना, वो यहाँ पर सामने की तरफ आपको दृष्टिगत होंगे। यहाँ पर यमुना मैया का प्रतिमा बना है, क्योंकि यमुना नदी के तट पे है, तो इस वजह से यहाँ पूजन पाठ इत्यादि बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं इन ईंटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्राचीन ये हो सकता है। अगर मैं छू दूँ ना, तो ये सारे ईंटें जो हैं वो निकल जाएं, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। और अभी इस मंदिर का जो है ना निर्माण कार्य जो चल रहा है, अभी परिक्रमा मार्ग का भी रास्ता देख लें आप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन यह मंदिर है सिद्धेश्वर नाथ महादेव का। और ठीक जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, यहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव अपनी प्राचीनता के साथ यहाँ पर विराजमान है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर महादेव का अद्भुत एवं दिव्य दर्शन आप सभी करें, क्योंकि यह अद्भुत एवं दिव्य दर्शन परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं महाराज जी के पास और जानकारी लेते हैं इस मंदिर के प्रांगण में सिद्धेश्वर नाथ महादेव के बारे में। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, यहाँ के बारे में बताएं। बारे नहीं बता रहे आपको जी, ये पहले गौशाला थी मेरे सामने जी, ताजमहल के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी गौशाला। मेरा रिश्तेदार रहता था, नौता कर रहते, मैं खाने जाता तब गौएं बनती थी इसके अंदर। ये ताजमहल के अंदर में? ताजमहल के अंदर गौएं बनती थी, ताजमहल के अंदर। ताजमहल किसने बनवाया? चित्रगुप्त ने, जो राजा था वहाँ का, उज्जैन का जी जी, उसने बनवाया जो ताजमहल जी। ताजमहल को 11 साल हो गई, यहाँ जो जमुना जी यहाँ पर नहीं रहती थी, पल्ली पार रहती थी जमुना जी जमाने में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ऐसा कहते हैं ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया है मुमताज की याद में। नहीं है, तो वैसे ही नाम लिख दिया उसने, यातना लिख दी। मुसलमान ने, कौन मुसलमान का राज चल रहा था, कांग्रेस में राष्ट्रपति वो था मुसलमान, अजुद्दीन फलाने दिन ठिकाने दिन ये सबसे सबसे उन्होंने ताले बंद कर दिए नीचे तक जीने। अच्छा, ताजमहल का कुछ नहीं बिगड़ सकता, नीचे 4 मंजिल नीचे शंकर। अच्छा, यहाँ भी ताजमहल में भी? ताजमहल के अंदर जी 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 जी, 4-5 मंजिल नीचे है शंकर जी। अच्छा। जीने नीचे तक ताले बंद कर दिए, परिक्रमा में गणेश जी की मूर्तियाँ ताले बंद कर दिए, नीचे परिक्रमा ताले बंद कर दिए, इन्होंने सब ऐसा कर दिया यहाँ पे। जब प्लेटफार्म था इसके नीचे, ताजमहल के नीचे प्लेटफार्म था, मैंने देखा अपनी आंखों से। ताजमहल तो बहुत नीचा है जमीन के अंदर जी जी, शिव जी का प्रतिमा है उसमें। हाँ, नीचे ताजमहल बहुत नीचा है, ये बावड़ियाँ हैं, ये सबरी, ये बड़ी बड़ी बावड़ी, इधर जीना है। यहाँ से तो देखने में मिलता है, इधर भी जीना है जी। हाँ, इसमें से जाते थे, जीना है। मेरी शूटिंग है हुई है यहाँ पे मेरे सामने। हाँ, फिल्मों की जी जी। तो इसका आप कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन इतिहास में जो बताया जाता है ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल जो है वह शाहजहां ने मुमताज की याद में जो बनाया, ये सब तेजो महल भी हो चुका है। अच्छा, तेजो महल भी हो चुका है इसका नाम। अच्छा महाराज जी, ये सिद्धेश्वर नाथ महादेव हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दें। जीने बंद कर दिए, नीचे तक नहीं जा सकते तुम, जीने नीचे तक। अच्छा, एक बिगड़ रही है। अच्छा, दोनों तरफ से जीने।
अच्छा अच्छा जी ऐसे लगे साल में अच्छी साल में कभी तो बाढ़ आई बाढ़ आती तो उसमें पानी भर जाता है जी 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 उसके अंदर पानी टपकता है शंकर जी के ऊपर शिव जी के ऊपर हाँ। महाराज जी टपकते हुए आपने देखा है, है? आपने देखा है टपकते हुए मैंने इस बात को तो देखा पानी टपकता था मंदिर में मैं जाता था मैंने कब्बानियां सुनी उसके अंदर अच्छा पैसा एक भी पैसा नहीं लगता था हाँ। पांच आदमी आते थे पहले हाँ 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 इंजीनियर इंजीनियर आते थे पर्वतों में सुमेरू पर्वत अमेरिका के उसके अंदर पुलचिनिया में चलो वो मेरे याद है पीछे बच्चे लड़का बेटा आगे बच्चे लड़का हमने देखा अपनी आंखों से अब उनका 1000 का टिकट है हाँ बिल्कुल सही 1100 रुपये एक विदेशी का टिकट हाँ 1100 रुपये विदेशियों का टिकट है महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्रीलंका का हाँ हाँ और उसके बाद नॉर्मल लोग अगर बाहर बाहर घूमना चाहें तो 50 रुपये है और अंदर से जाएं तो 250 रुपये है बिल्कुल जी 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 चार जी 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 चढ़ कर जाते थे जी 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 एक अंग्रेज आई हमारे जमाने में इसके ऊपर चढ़ गई वो उसके बगल में छाती वो लगी थी छतरी आंधी आ गई ऊपर से छतरी खुल गई उड़ गई ओ मिली वो मुर्गी के पास लाल मुर्गी और बहुत कहानी है आगे में सब कुछ किला अकबर का नहीं है किला राजपूत राजा बादल का किला है तुम सही पूछो तो आगरा फोर्ट है ना आठ फोर्ट के सामने फाटे गए उसमें घुस जाना सीधे हाथ पर राजपूत राजा बादल का किला तो देखा आपने महाराज ने कितनी बढ़िया जानकारी बताई कि वास्तव में जो ताजमहल है हमारे आंखों से देखा हुआ है वहां पर अंदर में शिव जी की प्रतिमा है तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां हैं ताजमहल के बारे में चलिए खैर वो बात की बात है उससे जुड़ा हमारा कोई विषय नहीं है।